Assalamualaikum, welcome to my channel Cook with Afreen. आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। जब भी हम तंदूरी चिकन बनाने का सोचते हैं घर पे, तो हमें लगता है काफी सारे मसाले भूनने पीसने, फिर जाके एक तंदूरी चिकन जो है घर पे बनेगा। इस तंदूरी चिकन में ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक मसाले के साथ इस तंदूरी चिकन को बनाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल वही टेस्ट देगा जिस तरह हमें रेस्टोरेंट्स में तंदूरी चिकन मिलता है। तो आप इस तंदूरी चिकन को आसानी से घर पे बना सकते हैं। इस तंदूरी चिकन में हम होममेड तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। तंदूरी मसाला की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल वही कलर टेस्ट और खुशबू का ये तंदूरी मसाला बनता है जिस तरह हमें मार्केट में पैकेट्स में तंदूरी मसाला मिलता है। इस मसाले को बना के आप पूरा साल स्टोर कर सकते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस मसाले से काफी सारी चीजें मैंने दिखाई है, तंदूरी प्रॉन्स, तंदूरी बटर चिकन, तंदूरी समोसा और इंशाल्लाह काफी सारी रेसिपीज आगे भी दिखाऊंगी। तो इस मसाले को बना के आप स्टोर कर सकते हैं और तंदूरी चिकन तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और इंशाल्लाह काफी सारी चीजें और भी ट्राई कर सकेंगे। तो इस मसाले को बना के स्टोर करें। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इधर मैंने चार टिक्का पीसेस ले लिए हैं, इन्हें मैंने क्लीन करके वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इधर मैंने चिकन पे जो है इस तरह के कट्स लगा लिए हैं, एक एक इंच के डिस्टेंस पे आगे और पीछे दोनों इस तरह चिकन के ऊपर जो है मैंने कट्स लगा लिए हैं। जितना मसाला कट्स के अंदर तक जाएगा उतना ज्यादा मजे का बनेगा, उतना टेस्टी बनेगा। तो कट्स जो है अच्छी तरह डीप कट्स एक एक इंच के डिस्टेंस पे अच्छी तरह लगा लें। ये स्टेप भी मैं कर चुकी हूँ। अब जो है हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सारी चीजें इसी बोल में एक साइड पे निकाल लेती हूँ ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाएगी, फिर मैरिनेशन जो है हम चिकन पे लगाएंगे। तो इधर साइड पे सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं। तंदूरी मसाला, होममेड तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून भर के लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, फ्रेश नींबू का जूस 2 टेबलस्पून भर के लेंगे, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून। दही में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो पानी जब चिकन कुक होगी तो काफी सारा पानी रिलीज होगा, इसलिए गुड क्वालिटी का फुल फैट दही लें। 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे और साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी, ये आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती है 1 टीस्पून। इन सारी चीजों को इसी कॉर्नर पे इसी साइड पे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है, तंदूरी मसाले में भी हमने नमक ऐड किया था, तो अगर आपको लगे नमक कम है तो 1/2 से 1 टीस्पून नमक आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें और एक चीज जाएगी, वो है तेल, लेकिन इस स्टेज पे हम तेल ऐड नहीं करेंगे, तेल हम बाद में ऐड करेंगे। उसका रीजन भी मैं बाद में बताऊंगी कि हम तेल क्यों एंड में ऐड करते हैं। सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब जो है ये सारा मैरिनेशन हम चिकन पे लगाएंगे इस तरह से। अजान हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर लिया था। सारा मैरिनेशन जो है इस चिकन पीसेस पे हमें रब करना है, अच्छी तरह रब करेंगे, अंदर कट्स के अंदर तक रब करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी ऐसी चीजें बनाएं थोड़ी सी प्लानिंग पहले से कर लें। इन चीजों को आप जितना ज्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज्यादा मजे की बनेगी। तो इसका सीक्रेट यही है, मसाले तो वही हैं, घर के हैं, बस होममेड तंदूरी मसाला ऐड किया है, लेकिन जो सीक्रेट है कि आप जितना ज्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज्यादा मजे का बनेगा, उतना फ्लेवरफुल बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो इस तरह की जो चीजें अगर बनानी है थोड़ी सी प्लानिंग पहले से कर लें, आपकी चीज भी अच्छी बनेगी, आपका सारा काम भी आसान हो जाएगा। इस तरह से कट्स के अंदर तक मैंने हाथों की मदद से रब कर लिया है मसाले को और इसे छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। और जैसे मैंने बताया जितना ज्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज्यादा मजे की बनेंगी, पर कम से कम 2 घंटे तो जरूर छोड़ें, क्लिंग से कवर करें, फ्रिज में रख दें और फिर हम इसका आगे का स्टेप बताएंगे। काफी टाइम इसे मैरिनेशन को दे दिया है, इसे अभी हमें कुक करना है, लेकिन कुक करने से पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल
ऑयल जो है हम लास्ट में ऐड करते हैं। इसका रीजन ये है, जो चिकन के जो पोर्स हैं, अगर शुरू में तेल डाल दिया तो ब्लॉक हो जाते हैं, मैरिनेशन जो है स्लो हो जाता है, इसलिए लास्ट में हम जब इसे कुक करना है उसके पहले हम डालेंगे इसमें बस 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। मिक्स कर लेते हैं और अब जो है हम इसे कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसे कुक करेंगे। इधर एक ग्रिल पैन लिया है, जरूरी नहीं है आपके पास भी ग्रिल पैन होना चाहिए, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। मैंने व्हाइट चिकन टिक्का जो है नॉर्मल पैन में बनाया था, तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। बटर के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है, मजे का लगता है, पर आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नहीं डालेंगे, आप सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। जब भी बटर डालते हैं तो ऑयल जरूर डालते हैं, वरना बटर जो है इवेपोरेट हो सकता है, जल सकता है, इसलिए बटर के साथ ऑयल जरूर डालें। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, बस 2 टेबलस्पून ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल हमने चिकन में भी ऐड किया था, इसलिए तेल की क्वांटिटी भी इधर कम रखी है। बटर को जो है हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। बटर मेल्ट होना शुरू हो चुका है, फ्लेम मीडियम रखेंगे इस तरह से, और इसे अब हम इन चिकन पीसेस को उठा के ग्रिल पैन में डालेंगे। सारा मैरिनेशन जो है इसके ऊपर लगा दें, कोट कर दें, ताकि कोई भी चीज, कोई भी मैरिनेशन हमारा वेस्ट ना हो। इस तरह से पीसेस उठा के हम इस तरह इसमें रख देते हैं। इसका सब बटर जो रह गया है इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक पीस डालेंगे। ज्यादा पीसेस ऐड नहीं करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे, ताकि चिकन जो है अपने ही जूसेस में, अपने मसाले में बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरह से कोट हो जाए। बाकी का मसाला इस तरह ऊपर लगा देते हैं। 3 पीसेस ही डाल रही हूँ, फ्लेम मीडियम रखे हैं 5 मिनट के लिए। इसी तरह पहले कवर कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड जो है चेंज कर लेते हैं इस तरह से। और इसी तरह मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड पे भी कुक करते हुए। अब जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर ली है मैंने, बिल्कुल लो कर ली है, और लो फ्लेम पे इसे कवर करके कुक करेंगे, ताकि जो भी कसर बाकी है चिकन में वो पूरी तरह डन हो जाए। तो इसी तरह कवर करेंगे लो फ्लेम पे और कुक करेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। 6 से 8 मिनट हो चुके हैं, कवर करके भी कुक कर लिया है। चिकन को चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से परफेक्टली डन है, कुक हो चुकी है। लो फ्लेम पे इसे कुक किया था, तो इसे कुक करने के लिए 12 से 15 मिनट लगे हैं पूरी तरह कुक होने के लिए। अब जो है तंदूरी चिकन है तो कोयले का धुआं देना जरूरी है। इधर मैंने कोयला जला लिया था और एक फॉइल पे रख लिया है। इस तरह से फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी में से थोड़ा सा जो तेल नजर आ रहा है वही लेके हम कोयले पे ऐड कर देंगे, फौरन से कवर कर लेंगे, और जब धुआं सेटल हो जाएगा, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, तब हम इसे सर्व करेंगे। तंदूरी चिकन को सर्व कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट जूसी मॉइस्ट बनता है। हरी धनिया से गार्निश किया है, साथ ही नींबू और प्याज भी रखा है। इधर मैंने दी है हरी चटनी, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में तंदूरी चिकन हरी चटनी के साथ सर्व होता है, ये हरी चटनी मैंने खुद पीसी है, बिल्कुल परफेक्ट और वही टेस्ट की बनती है जिस तरह हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो आप देख सकते हैं, न ज्यादा गाढ़ी है, न ज्यादा पतली है, और इसमें कोई कलर वगैरह भी ऐड नहीं किया है। तो इस चटनी को आप चिकन टिक्का, कबाब्स वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।